हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉप डिलीवरी। माई सेल्फ मिलाप मनोज, और आज मैं जिस कॉमिक्स का रिव्यू आपके सामने करने वाला हूँ वह है नाग प्रलय। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस कॉमिक्स के साइज को लेके काफ़ी ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। और मैंने कल एक सीक्वेंस ऑफ पोस्ट भी शेयर किया था पॉप डिलीवरी के पेज पे, जहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि इस कॉमिक्स का साइज विथ रिस्पेक्ट टू अदर कॉमिक्स पब्लिकेशंस क्या है, कैसा है। सो आज इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ सब से। आप देख सकते हैं ये लेंथ में थोड़ा लंबा है, और जो इसका विड्थ है वो भी सर्प सत्र से लगभग 5 mm ज्यादा होगा। सो दिस इज अबाउट सर्प सत्र। अब जो अगली कॉमिक्स मैं साइज कंपैरिजन करने वाला हूं वो है बुल साई पब्लिकेशन की ड्रैकुला। ये देखिए, मैंने इसे इसके साथ रखा एंड आई बिलीव इसका साइज कंप्लीटली इससे बड़ा है। ये आप देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट कॉमिक्स दैट आई एम गोना टेक इज कैंप फायर पब्लिकेशंस द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। और मैं देख सकता हूं कि इसका साइज नाग प्रलय का साइज कैंप फायर से भी थोड़ा बड़ा है। ये देखिए, आई बिलीव काफी लोगों की क्वेरीज सॉल्व हो रही होंगी। नेक्स्ट मेज कॉमिक्स प्रेमम सीरीज। ओके सो गाइज, मैं ये देख पा रहा हूं कि प्रेमम का जो लेंथ है, जो हाइट है, वो ऑलमोस्ट नाग प्रलय के जितना ही है, लेकिन जो विड्थ है वो अभी भी नाग प्रलय से कम ही है। सो आई बिलीव यू आर गेटिंग एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ व्हाट इज द साइज। नेक्स्ट इज अमर चित्रकथा। ये शक्ति है और इसमें काफी डिफरेंस है। द विड्थ इज एग्जैक्टली द सेम, लेकिन जो लेंथ है वो नाग प्रलय का हैंड्स ऑन ज्यादा है। अब हम ये देखते हैं कि नाग प्रलय का साइज रेगुलर राज कॉमिक्स के कंपैरिजन में कैसा है। तो अभी परसों ही मैं ये लेके भी आया हूँ आदि पर। सो आप देख सकते हैं इट्स कंसिडरेबली बिगर इन साइज। एंड आई थिंक किसी ने ये कमेंट भी किया था मेरे एक पोस्ट पे कि अगर रेगुलर राज कॉमिक्स के साथ भी आप कंपेयर कर देते तो काफ़ी अच्छा होता। सो हियर इट इज़ फॉर यू। आई बिलीव इट वॉज पथिक अग्रवाल। सो दिस वन्स फॉर यू बडी, यू कैन सी। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ ट्राइंग टू कंपेयर इट विथ वन ऑफ माई फेवरेट कॉमिक्स। ये DC कॉमिक्स का बैटमैन अर्थ 1 है। सो जो लेंथ है दैट मीन्स द हाइट, दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज नाग प्रलय। और नाग प्रलय का जो विड्थ है वो थोड़ा इससे ज़्यादा है। सो वी कैन से कि ऑलमोस्ट इन दोनों का और प्रेमम का कैंप फायर इज रिलेटिवली स्मॉलर, तो इसको हटा देता हूँ। ड्रैकुला भी थोड़ा छोटा है। सो यस, वी कैन से कि द साइजेस ऑफ मेज कॉमिक्स का प्रेमम, राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता का नाग प्रलय, और DC कॉमिक्स का बैटमैन Year 1 Earth 1, इन तीनों का साइज सेम। टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नाग प्रलय का कॉमिक्स रिव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कवर आर्ट का। कवर आर्ट मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। वी कैन सी टॉसी चार्जिंग डाउन नागराज एंड देयर इज सम डैम्सल इन डिस्ट्रेस जो कि पीछे छुपी हुई हैं, जैसा इनिशियल कॉमिक्स में होता था मोस्टली। एंड ये जो कॉमिक्स है वो नागराज
का जो युगारंभ सीरीज आया था अभी कुछ टाइम पहले, संजय गुप्ता सर ने लाया था, और उसमें नागराज और शांगो के बाद की स्टोरी है. सो दिस इज वी विल सी द नागराज ऑफ इनिशियल ईयर्स, जो स्टार्टिंग के टाइम का था. उसके बॉडी का जो कॉम्पोजिशन, जो कलरिंग, जो टेक्सचर है, वो काफ़ी कुछ उस तरह का ही देखने को मिलेगा. एंड इट जो पहले की कॉमिक्स थी उनमें वो देखने में मे भी थोड़ा डिफरेंट सा लुक फील होता था, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप ये कॉमिक्स पढ़ेंगे, जब आप इसको यू नो इसके पन्ने आप उल्टेंगे, तो यू विल बी कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड. सो अगर सिर्फ हम यहाँ पे कवर आर्ट की बात करें और बैक कवर आर्ट की बात करें, तो आई विल रेट दिस क्वाइट हायर. दैट मीन्स से 4 out of 5. सो एक पॉइंट इसलिए काट लिया बिकॉज देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और हमें और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिले. अब आते हैं इसके अगले मेन इन्ग्रेडियंट की तरफ, जो है स्टोरी. सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा नितिन मिश्रा जी का, जिन्होंने इतनी बढ़िया स्टोरी ये हमारे लिए लाई है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी स्टोरी में ये है कि द स्टोरी इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स. दैट मीन्स यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. और जैसा हम इनिशियल के कॉमिक्स में देखते थे कि एक होती थी बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी कि नागराज निकला, गुंडों से फाइट किया, और लास्ट में एंड रिजल्ट आ गया कि हाँ वो जीत गया और अब अगले सफर की तरफ वो अग्रसर हो जाता है. तो ये इतनी ज़्यादा सिंपल भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि हमने पीछे कुछ टाइम में देखा, जैसे अवशेष सीरीज में देखा था कि यू नो होल टाइम ट्रेवल, क्वांटम पार्टिकल्स एंड ऑल दैट. तो उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है. सो इट्स वेरी इजी टू रीड एंड इट्स यू नो वेरी वेल पुट, कंसिडरिंग ये सेकेंड आउटिंग है तौसी का ओवरऑल राज कॉमिक्स यूनिवर्स में, फर्स्ट बीइंग सर्पसत्र, एंड ये फर्स्ट आउटिंग होगा राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता के फ्रेंचाइजी में. सो अब देखना यह है कि इसका जो अगला पार्ट है, दैट इज़ प्रलय का देवता, वो कैसा होता है. एंड आई एम श्योर नितिन सर के पास बहुत अच्छे यू नो स्टोरी आर्क होगा, जहाँ पे कि वो हमें आगे इस स्टोरी के कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे. तो मैं स्टोरी के लिए अगर बात की जाए तो मैं इसे दूंगा 4.5 out of 5. स्टोरी के बाद बारी आती है स्केच की. जो स्केच है वो आदिल खान पठान सर के द्वारा किया गया है और स्केचिंग बहुत ही उम्दा है. इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल्ड स्केचेस हैं और आई बिलीव इसमें एक एक इंट्रीकेसीज का ध्यान रखा गया है. सो जब आपके हाथ में ये कॉमिक्स आएगी ना दोस्तों, तब आपको ये समझ में आएगा या आप रियलाइज़ कर पाओगे कि इसका जो ओवरऑल लुक एंड फील है, ओवरऑल जो ये पैकेज है, उसमें हर एक एलिमेंट का कितना इम्पॉर्टेंट योगदान होता है. और मैं आदिल खान पठान सर जी को मैं दूंगा 4 out of 5 बिकॉज स्केचिंग में बहुत ही बढ़िया काम किया है उन्होंने. जो अगली चीज़ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, वैसे तो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन हम एक एक करके जा रहे हैं, तो कलरिंग की बात करते हैं. कलरिंग की गई है बसंत पांडा जी के द्वारा, जिसमें उनका सहयोग किया है मनमीत जी ने. तो कलरिंग इतनी बढ़िया है, ये पूरी किताब का ये काफ़ी कलरफुल कॉमिक्स है. मतलब वो नहीं कि आप ट्रेडिशनल, आपको मार्जिन साइड में देख सकते हैं, आप जो साइड का मार्जिन है वो वाइट नहीं है, जैसा कि हम यूज टू हैं देखने को राज कॉमिक्स में. काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट है, एक अजीब सा रिफ्रेशनिंग टेंज है ओवरऑल पूरी कॉमिक्स बुक में, जिसमें कलर्स का योगदान काफ़ी अच्छे से पता चलता है. कलरिंग में मैं इसे दूंगा 4.5 out of 5. जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इस पूरी कॉमिक्स की लेटरिंग. नाउ लेटरिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंटिटी फॉर एनी कॉमिक्स, बिकॉज अगर शब्द ज़्यादा छोटे हो गए तो रीडर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लूज कर देता है, और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है. काफ़ी इनिशियल कॉमिक्स से 90s का जो कॉमिक्स का जो दौर था, उसमें कुछ कुछ पब्लिकेशंस के कॉमिक्स की जो लेटरिंग होती थी वो थोड़ी सी छोटे फॉन्ट की होती थी, और उसमें बहुत बार इंटरेस्ट लूज कर जाता है आदमी.
तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेटरिंग बहुत ही क्लियर है और जो ग्राफिक इफेक्ट्स है वो भी दिया है मंदार और गौरव गांगाले सर ने ही, जिन्होंने इसके लेटरिंग के ऊपर काम किया है। तो मैं इस डिपार्टमेंट को भी मैं दूंगा 4 out of 5। तो ये हमने अभी बात की, हमने अलग अलग डिफरेंट फेजेस में हमने रेट किया कि इस कॉमिक्स को क्या रेटिंग मिलनी चाहिए, और अब बात करते हैं हम नागप्रलय के ओवरऑल रेटिंग की। यानी कि ये हमारे संजय सर का जो ये पहला जो ये ऑफरिंग है, जो नई कॉमिक्स आई है, इसकी संख्या 2 है। नंबर 1 आदि पर्व की है, तो ये कॉमिक संख्या 2 बाई राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता, इसकी रेटिंग अगर मुझे देने को कही जाए तो मैं इसे रेट करूंगा 4.5 out of 5 बिल्कुल। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो चीज़ ऑलमोस्ट यू नो ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गई थी, वहां से कमबैक करके, ना सिर्फ कमबैक करना बल्कि ऐसा डिलीवरी करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जो 0.5 मार्क्स हैं वो इनकरेजमेंट के लिए हैं, और जो 4 पॉइंट्स हैं वो इस ऑफरिंग के लिए है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज, होप आप भी जल्दी से इस कॉमिक्स को पढ़िए और अपने अपने तरह से इसका रिव्यू दीजिए। एंड आई बिलीव कि आने वाले टाइम में हम सबको काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। और पॉप डिलीवरी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और सो दैट के हम यू नो इन फ्यूचर आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लाते रहें और आप उसे मिस ना कर पाएं। तब तक के लिए एडियोस।